कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत वृद्धाने कांता मृत रसनी से का नवरथम प्रवृत्ता वागेसा सकल विकला देश वसतः समन्ताद् भद्रं वो दिशतु मुनि पश्यामल मते है। ये जो मैंने आज मंगलाचरण का श्लोक पढ़ा है इसको आज से लगभग 1300 वर्ष पहले आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्री में लिखा है और उसी परिच्छेद में लिखा है जिसको हम पढ़ रहे हैं। हमारे प्रकरण से एकदम संबंधित है, ये बहुत घनिष्ठ रूप से जिस विषय को अभी हम पढ़ रहे हैं ये उसी विषय को समझाते समय आचार्य विद्यानंद स्वामी ने अष्ट सहस्री में, अष्ट सहस्री का दूसरा नाम आप्तमीमांसा लंकृति है, उस आप्तमीमांसा लंकृति में अंत में लिखा है और बहुत ही अर्थ गर्भित ये श्लोक है, इसलिए आपको मैंने स्क्रीन पर दिखाया है। इसका अर्थ भी है, आपको बाद में हम ग्रुप पर भी भेज देंगे, पर जरा ये समझने लायक श्लोक है, हम 10-5 मिनट लगा के इसको समझना चाहते हैं। देखो क्या कहा, अपेक्षैकान्तादी प्रबल गर लोद्रेक दलिनी। ये कौन सा छंद है? ये मेरे ख्याल से जिसमें महावीराष्टक स्तोत्र लिखा हुआ है ये वो छंद है, ये शिखरिणी छंद मुझे लग रहा है, शिखरिणी छंद है, बहुत अच्छा मत है ये। देखो इसका हिंदी में अर्थ बताता हूं आपको, श्लोक पैसे देखो एक बार, हिंदी में मत देखो, एक बार मूल श्लोक में से अर्थ देखो। शिखरिणी जी, हाँ रजनी जी, अपेक्षैकान्तादि, जैसे वो बोलते हैं ना, महावीर स्वामी नयन पथ गामी भवतु मे, वही लय है इसकी, और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण ये श्लोक है। अपेक्षैकान्तादि अपेक्षैकान्त, इस प्रकरण में दो पार्टी हैं, एक अपेक्षैकान्त एक अनपेक्षैकान्त। एक तो ये दो नाम हम सबको याद रख लेने चाहिए तब ये विषय अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा सा कठिन है पर अपन 2-4 बेसिक बातें समझते जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक है अपेक्षैकान्त, दूसरा है अनपेक्षैकान्त, और यदि ये शब्द कठिन लग रहे हो तो आप दूसरे सरल नाम याद कर लो, एक का नाम है अपेक्षावाद और दूसरे का नाम है अनपेक्षावाद। ये दो शब्द में बहुत सरल दे रहा हूं, सबको समझ में आ जाए, मैं बहुत कोशिश करता हूं अपनी तरफ से कि सरल से सरल हो जाए। दो मुद्दे हैं, अपेक्षावाद और दूसरा है अनपेक्षावाद। तो इन दोनों को ही यहां पर कहा जा रहा है कि ये प्रबल गरल है,
गरल का मतलब होता है हालाहल, जहर। गरल माने जहर, जहर भी सामान्य विष नहीं। गरल का मतलब होता है ऐसा जहर, हालाहल जहर कि जिसे खाते ही मर जाए। आचार्य विद्यानंद स्वामी यहाँ कह रहे हैं अपेक्षा अपेक्षाकांत ये प्रबल गरल है, बहुत बहुत ही तेज जहर है, बहुत गहरा हालाहल जहर है। और इस जहर का उद्रेक, इस जहर का जो प्रवाह है उसे दलिनी, उसे जो नष्ट कर देती है। क्या अर्थ हुआ? जो अपेक्षाकांत अनपेक्षाकांत आदि का हालाहल जहर कुचल देती है, नष्ट कर देती है, मिटा देती है, उतार देती है। और क्या करती है फिर? प्रवृद्धानेकान्तामृत रस निषेका नवरतम, और प्रवृद्ध बढ़ा देती है। प्रे माने बहुत, वृद्ध माने बढ़ाना, जो बहुत बढ़ा देती है। क्या? अनेकांत रूपी अमृत रस, जो एकांत के हालाहल जहर के उद्रेक को, उद्रेक समझ गए, जहर फैलता है, चढ़ता है। तो जो जहर, चढ़ते हुए जहर को जो दलित कर देती है, नष्ट कर देती है। और जो अनेकांत रूपी अमृत रस के प्याले पिलाती है, अनवरत, अनवरत माने लगातार, जो भर भर कटोरे क्या भाषा है, क्या इनके हृदय के उद्गार है। जो अनेकांत के अमृत रस के कटोरे भर भर करके, अनवरत, अनवरत माने बिना किसी गैप के लगातार जो अनेकांत का अमृत रस पिलाती है। कौन है ये? देखो क्या कह रहे, जो अपेक्षाकांत आदि प्रबल गरल के उद्रेक को दलने वाली है, और अनेकांत के अमृत रस के कटोरों को निरंतर पिलाती है। तीसरी पंक्ति पढ़ते हैं, प्रवृत्ता वागेसा सकल विकला देश वसत। तीसरी पंक्ति माने यही तीसरा चरण, प्रवृत्ता वागेसा सकल विकला देश वसत। ऐसा माने यह, वाग माने वाणी, ये वाणी जो प्रवृत्त हो रही है यहाँ पर सकला देश और विकला देश के वश से, कभी सकला देश होती हुई कभी विकला देश होती हुई, ये यहाँ जो वाणी प्रवृत्त हो रही है कहाँ से आई? समंता भद्रम, वो समंत भद्र का नाम भी आ गया और अर्थ भी आ गया। यहाँ श्लेष अलंकार है, जब कोई शब्द एक बार आए लेकिन अर्थ उसके एक से ज्यादा हो तो उसे श्लेष अलंकार कहते हैं। कि जो समंत भद्र मुनिप, मुनिप माने मुनि, प माने मुनियों का पति, जैसे महीप होता है, भूप होता है, भूप माने भू का पति, ऐसे ही मुनिप, मुनिप माने जो मुनियों के पति हैं, मुनिराज हैं, आचार्य हैं, जो मुनिराज हैं, ऐसे समंत भद्राचार्य के मुख से, उनकी लेखनी से, जो समंतात भद्रम दिशत, जो चारों ओर से सबका कल्याण करने वाली है, अमल मते, अमल मते माने, अमल माने निर्मल, मल रहित। स्यादवाद ही की बात ही अमल हो सकती है, एकांतवाद की बात तो मलिन होती है, महामलिन होती है।
स्यादवाद की बात ही अमल हो सकती है। तो जो निर्मल मति के, देखो अमल मते, मते क्या है, पंचमी विभक्ति प्रथम पुरुष एक वचन, अमल मति वाले समंत भद्राचार्य से जो आई है। देखो निर्मल मति कौन हो सकता है, यदि हमको आपको निर्मल मति बनना हो, अमल बुद्धि निर्मल किसकी, हाँ इस पर सोचो, बुद्धि निर्मल किसकी, जो स्यादवाद का आश्रय लेते हैं उनकी बुद्धि अमल निर्मल, और जो एकांतवाद का आश्रय लेते हैं उनकी बुद्धि मलिन विषाक्त। एकांतवादी की बुद्धि हलाहल जहर, और स्यादवादी की बुद्धि अमृत के कटोरे। देखो क्या, अब एक बार फिर पढ़ता हूं और इसका एक बार हिंदी में अर्थ बोलता हूं पहले, फिर पढ़ता हूं आपको। जो अपेक्षैकांत आदि, आदि में क्या लेना, आदि में सब ले लेना, अपेक्षैकांत अनपेक्षैकांत नित्यैकांत अनित्यैकांत भावैकांत अभावैकांत द्वैतैकांत सारे एकांत ले लेना, आदि में कोई छूटा नहीं। ये यहाँ प्रकरण था इसलिए उन्होंने अपेक्षैकांत को लगा करके बात कही कि जो अपेक्षैकांत आदि प्रबल गरल के उद्रेक को दलन करने वाली है, और जो बढ़ते हुए अनेकांत के अमृत रस के कटोरे निरंतर पिलाती है, जो सकला देश और विकला देश यानी प्रमाण सप्तभंगी सप नए सप्तभंगी के रूप में मुख गौण विवक्षा को लेकर के लीला करती रहती है, ऐसे समंत भद्र मुनिराज निर्मल मति, ऐसे निर्मल मति वाले समंत भद्र मुनिराज की ये वाणी वो दिसतु, वो माने हम सबको तुम सबको दिसतु मार्गदर्शन करे, ये वाणी हम सबका दिशा निर्देश करे, हमको रास्ता दिखाए, हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे। हमारा मार्गदर्शन कौन करे, हमारा मार्गदर्शक कौन हो। विद्यानंद मुनिराज क्या कह रहे हैं कि हमारा मार्गदर्शक कौन हो, हमारा मार्गदर्शक समंत भद्र मुनिराज की वो निर्मल वाणी हमारी मार्गदर्शक हो, हमारे जीवन की मार्गदर्शक वो वाणी हो, जो अपेक्षैकांत आदि प्रबल हलाहल जहर के उद्रेक का दलन कर देने वाली है, और जो अनेकांत के अमृत रस के प्याले भर भर करके अनवरत लगातार कोई गैप ही नहीं, विदाउट एनी गैप जो हमें पिलाती है अनेकांत के अमृत, अनेकांत को अमृत रस कहा, एकांत को प्रबल गरल कहा। बहुत सुंदर है, इस पर एक घंटे बात कर सकते हैं हम लोग, ऐसा सरस अद्भुत श्लोक है, अद्भुत विद्यानंद महाराज की वाणी। क्या वे स्यादवाद के लिए लिख रहे हैं, क्या वे समंत भद्राचार्य के लिए लिख रहे हैं, देखो तो सही। अब आपको सबको इसका अर्थ समझ में आ जाना चाहिए, हिंदी की जरूरत ही ना पड़े इतना, और महावीराष्टक स्तोत्र की तरह आप इसको गाने लगो तब इसका आनंद है। मैं एक बार फिर पढ़कर सुनाता हूं, देखो। अपेक्षैकांतादि प्रबल गर लोद्रेक दलिनी प्रवृद्धाने कांता मृत रस निसेका नवरतम प्रवृत्त तावागेसा सकल विकला देश वसत
समन्ताद्भद्रं वो दिशतु मुनिपस्यामलमते। ठीक है, अभी इतना ही करके अब अपन अपनी कारिका पर चलते हैं। आनंद आया कुछ आपको सबको? क्या गजब की चीज है। मुझे मुझे आगे नहीं बढ़ा जा रहा, मैं क्या करूं? क्या कैसा लिखा, देखो तो सही क्या लिखा। ये चीज सब लोग समझो भाई। अरे जैन लोग तो सब समझो, जो लोग जैन धर्म की आराधना करना चाहते हैं, जैन दर्शन के असली तत्व ज्ञान को समझना चाहते हैं, वो तो स्यादवाद की महिमा समझो। ये स्यादवाद अमृत रस के कटोरे हैं, अमृत रस के कटोरे। और एकांतवाद हो गया ना गलती से, लापरवाही कर दी, तो समझ लेना हालाहल जहर चढ़ जाएगा, जहर चढ़ जाएगा, जहर हालाहल गरल का उद्रेक बढ़ जाएगा। क्या लिखा है, आप सब विद्वान हो, मैं क्या बोलूं, आप सब इस पे चिंतन करना। बस इतना ही कह के आगे बढ़ता हूं। ये श्लोक आपको हम ग्रुप पर भेज देंगे, पढ़ना, दो चार बार गाना, अपने मुंह से गाना, संस्कृत नहीं आती हो तो भी गाना, इसको गाना से लेस जी, आए या ना आए, डॉक्टर साहब मानमल जी, गाना इनको गाओ, जैसे बने वैसे इसको महावीर अष्टक की लय में गाओ। इसका अर्थ समझ करके अब मैंने अर्थ बता दिया। विद्यानंद महाराज अष्ट सहस्त्री, अरे कब जीवन में अष्ट सहस्त्री पढ़ोगे, कौन पढ़ाएगा, कौन सुनाएगा, ये दुर्लभ विद्या है अष्ट सहस्त्री। अष्ट सहस्त्री के गीत गाने वाले लोग अद्भुत हैं। अष्ट सहस्त्री के बारे में ऐसा लिखा है, एक अष्ट सहस्त्री पढ़ लेगा उसने विश्व का वाङ्मय पढ़ लिया, उसने सारे दर्शन दुनिया, ऐसा लिखा है, जिसने एक बार अष्ट सहस्त्री पढ़ ली वो दुनिया के सभी दर्शनों का मास्टर बन गया, उसने सब पढ़ लिया, उसने कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही काफी है, एक ही काफी है। उस अष्ट सहस्त्री में आज मुझे, मैं टीका पढ़ रहा था तो मैंने ये श्लोक आज पढ़ा तो मैं गदगद हो गया, मैंने कहा आज तो मैं यही मंगलाचरण करूंगा। तो ये ऐसी बहुत सुंदर चर्चा है और हमारी बहुत बढ़िया अपेक्षाकांत अनपेक्षाकांत वाद, अपेक्षावाद अनपेक्षावाद, इसकी बहुत बढ़िया चर्चा चल रही है। अब उस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सब लोग बहुत रस ले रहे हो, इससे मेरा मन बहुत प्रसन्न है। आज कम से कम 15 लोगों ने मुझे भेजा है, कितने ही लोगों ने, कैसे दोनों बैठते हैं, दोनों का अविना भाव क्या है, और ये सब, ये अपेक्षाकांत क्या है, अनपेक्षाकांत क्या है, कम से कम 15 लोगों ने आज मुझे भेजा होगा। रीना जी सहारनपुर से भेज रही हैं, संजय जी खनिया धाना से भेज रहे हैं, और अपने जो ये ग्रुप पर जुड़े हैं ना, रजनी गोयल जी, दीपाली जी, दिनेश जी, प्रज्ञा ने भी भेजा, सुधा जी ने भी भेजा, मानमल जी साहब ने भी भेजा, सब लोग इस विषय पर न केवल, देखो ये मैं ये देख रहा हूं कि लोग ऐसा नहीं कर रहे कि हमारी ये 4 से 5 कक्षा हो गई और सुन लिया, इधर से सुना इधर नहीं, लोग बहुत ज्यादा समय दे रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दो दो तीन तीन पेज लिख लिख करके मुझे भेज रहे हैं। ये सब बहुत अच्छे शुभ लक्षण है और बहुत अच्छी बात है, पर इसलिए इस विषय को अपन लोग शांति से थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं अपन सब लोग आपस में। मैं ये बात आपको बराबर कह रहा हूं कि मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं, देखो यहां भी स्यादवाद है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि पढ़ रहा हूं, यदि मैं सर्वथा पढ़ा रहा हूं
तो मुझे स्वयं ज्ञान वृद्धि नहीं होनी चाहिए, लेकिन मुझे भी बहुत लाभ हो रहा है, मेरे भी ज्ञान में बहुत वृद्धि परिष्कार हो रहा है। तो यदि मैं सर्वथा पढ़ा रहा हूं तो मेरे ज्ञान में परिष्कार क्यों हो रहा है, और यदि मैं सर्वथा पढ़ रहा हूं तो फिर आप लोगों को कैसे ज्ञान में परिष्कार हो रहा है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि हम सब स्यादवाद की शरण में, स्यादवाद के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उसकी छाया में आनंद ले रहे हैं। बहुत आनंद के साथ पढ़ना, कोई थकान नहीं, झुंझलाट नहीं, घबराहट नहीं, परेशान नहीं, इतनी बढ़िया चर्चा चल रही है शांति की, इसका रस लेना है बहुत जम करके। तो हम एक बार कारिका 73 से वापस शुरू करते हैं, दो तीन कारिकाएं, तीन कारिकाओं का ये परिच्छेद है। आज मैं एक बार हो सके तो आपके सामने दोनों तीनों कारिकाएं प्रस्तुत करता हूं ताकि हम ओवरऑल डिस्कस कर सकें। देखो, यद्यापेक्षिक सिद्धि स्यात् न द्वयम् व्यवतिष्ठते, अनापेक्षिक सिद्धौ च न सामान्य विशेषता। इसका क्या अर्थ है? मैं तो कारिकाएं याद करते जा रहा हूं, क्योंकि मैं याद नहीं करूं तो मैं उसका खुलासा नहीं कर, मुझे मुझे दिन भर वो घूमना चाहिए मेरे दिमाग में। हर वक्त थोड़ी किताब हाथ में लूंगा मैं वो कारिका याद कर लेता हूं, और फिर मैं जब भी कोई भी काम कर रहा हूं, नहा रहा हूं, खा रहा हूं, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूं, कॉलेज जा रहा हूं, मेरे चित्त में वो कारिका रहती है, इसलिए मैं याद कर लेता हूं। ये कारिका याद कर लूं, जैसे जैसे कारिका आ रही है तैसे तैसे उनको कंठस्थ करते जा रहा हूं, तो मुझे बहुत फायदा हो रहा है। यद्यापेक्षिक सिद्धि स्यात् न द्वयम् व्यवतिष्ठते, अनापेक्षिक सिद्धौ च न सामान्य विशेषता। यदि धर्म धर्मी की सिद्धि सर्वथा अपेक्षिक हो तो दोनों ही नहीं व्यवतिष्ठते हैं, दोनों की व्यवस्था बनती नहीं है, और यदि सर्वथा अनापेक्षिक हो तो उनमें सामान्य विशेषता, सामान्य और विशेष भाव नहीं बनता है। कैसे नहीं बनता है, इसकी कल हमने थोड़ी सी चर्चा की थी और आज और करेंगे, पर मैं कारिका नंबर 74 पेश करता हूं अब आपके सामने। कारिका नंबर 74 पढ़ते हैं। विरोधानोभयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम्, अवाच्यतैकान्तेऽप्युक्तिर् नावाच्यम् इति युज्यते। विरोधात्, ये कारिका तो 10 परिच्छेद हैं आप्तमीमांसा में, और उनमें 10 परिच्छेदों में ये कारिका आई है। ये एक कारिका ऐसी है जो आप्तमीमांसा में 10 बार आई है, हर परिच्छेद में आई है। तो इसका अर्थ अपन हर बार लगा चुके, लेकिन फिर भी एक बार, विरोधात, विरोध होने के कारण, ना माने नहीं है, सही नहीं है। उभयैकात्म्य, उभयैकान्त माने एक था अपेक्षैकान्त, एक था अनपेक्षैकान्त, और इन दोनों को निरपेक्ष रूप से स्वीकार करना, वो उभयैकान्त, वो भी सही नहीं है, क्योंकि उसमें परस्पर ही विरोध है। जो लोग स्यादवाद न्याय के प्रति विद्वेष रखते हैं उनके मत में विरोध होने, उनके मत में उभय एकांत भी सही नहीं सिद्ध होता, क्योंकि इन दोनों में तो परस्पर विरोध है। अवाच्य एकांते प्युक्ति, और अवाच्य एकांत भी सही नहीं है, क्योंकि यदि ये बात सही होती, यदि वस्तु सर्वथा अवाच्य होती, तो फिर उसे अवाच्य शब्द के द्वारा कहना भी युक्त सिद्ध नहीं होता। ना अवाच्यम इति युज्यते, युज्यते इसे अवाच्य शब्द से कहना भी युक्त नहीं हो सकता था, अवाच्य शब्द से भी
कहने का योग नहीं बैठना चाहिए था, लेकिन अवाच्य शब्द से ही सही कह देते हैं तो अवाच्य एकांत की बात भी ठीक नहीं है। और कारिका नंबर 75, 74वीं कारिका आप सबके लिए अब सरल है क्योंकि चार बार पढ़ चुके, पांचवी बार पढ़ी है। अब ये 75वीं कारिका जरा बहुत ध्यान देने की है। ये जो हम जितनी कल चर्चा कर रहे थे उस सारी चर्चा का हल इसमें भरा है, जितनी समस्या है उसका समाधान ये है, ये उत्तर है। दो कारिकाओं में क्या कहा कि अपेक्षैकान्त भी गलत है, अनपेक्षैकान्त भी गलत है, उभय एकांत भी गलत है, और इस संबंधी अवाच्य एकांत भी गलत है। तो सही बात क्या है महाराज? गलत ही गलत बताते रहोगे कि सही भी बताओगे? बहुत से लोग केवल कमी निकालना जानते हैं, खुद नहीं करते हैं। जैसे ऐसे बहुत से लोग होते हैं, कोई काम करो तो कमी निकालते हैं, और उनसे कहें कि तुम करो तो बोले मैं नहीं करूंगा। तो भैया जो कर रहा है उसको पता है कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर केवल कमी नहीं बताई जा रही, हर परिच्छेद में उसका समस्या का समाधान भी प्रस्तुत किया गया है, और वो ये क्रांतिकारी समाधान है। ये 75 नंबर की कारिका बहुत बड़ा एक रहस्य उद्घाटन कर रही है, इसलिए इस पर आप सबको थोड़ा सा गंभीरता से ध्यान देना है, अपन सबको इसे ज्यादा समझना है। धर्म धर्म बिना भाव सिद्ध्यत्यन्योन्य वीक्षया न स्वरूपम स्वतो ये तत्कारक ज्ञापक अंगवत। पहले अर्थ लगाते तसल्ली से। धर्म धर्म बिना भाव, धर्म और धर्मी का अविनाभाव, यहाँ दूसरा शब्द धर्मी था लेकिन ई का यह बन गया आगे ए होने के कारण, इसको संस्कृत भाषा में यण संधि कहते हैं, इको यणची, ई का यह हो जाता है। धर्म और धर्मी का अविनाभाव सिद्ध्यति, सिद्ध्यति सिद्ध होता है, और फिर सिद्ध्यति का ती भी फिर ई का फिर यह बन गया आगे ए था। अन्योन्य वीक्षया, अन्योन्य 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 का हिंदी शब्द दूसरा रख लो, परस्पर, अन्य 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 का अन्य से संबंध, परस्पर। वीक्षया, वीक्षया शब्द और भी अच्छा लगा मुझे, अपेक्षा से भी ज्यादा बढ़िया सा, अपेक्षा के लिए ही आया है लेकिन वीक्षया शब्द कुछ और भी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ सेट बहुत बढ़िया हो रहा है, शब्दों पर बहुत जबरदस्त पकड़ थी समंत भद्र महाराज की, के परस्पर एक दूसरे को देखकर, वीक्षा माने दृष्टि, वीक्षा, और वीक्षा शब्द की तृतीय विभक्ति का एक वचन है ये वीक्षया, एक दूसरे को देख करके सिद्ध होता है। धर्म और धर्मी का अविनाभाव एक दूसरे को देख कर सिद्ध होता है, न स्वरूपम, स्वरूप सिद्ध नहीं होता है। धर्म और धर्मी का अविनाभाव एक दूसरे को देखकर सिद्ध होता है, धर्म धर्मी का अविनाभाव सिद्ध होता है अपेक्षा से, न स्वरूपम, लेकिन स्वरूप अपेक्षा से सिद्ध नहीं होता है। स्वरूप तो स्वतो, स्वतो ही माने गारंटी से, एतत् एतत् माने किम, स्वरूपम, स्वरूप तो वास्तव में स्वतः है, कैसे, कारक ज्ञापक अंगवत। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जिसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, अभी ये थोड़ी सी जरा बारीक बात है, कारक ज्ञापक अंगवत, इसका अर्थ मैं बाद में थोड़ी देर बाद करूंगा।
लेकिन अपन मोटी मोटी बात पहले समझ लें, कारक ज्ञापक को बाद में समझ लेंगे। अपन मुद्दा क्या चल रहा है देखो, मूल मुद्दा आपके सामने रखता हूं। धर्म और धर्मी सापेक्ष हैं या निरपेक्ष, ये मुद्दा चल रहा है। एक लाइन में बोलूं तो क्या हो गया। और एक और बात बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट, यहां धर्म धर्मी कहा है, लेकिन हमको और क्या क्या ले लेना चाहिए, और क्या धर्म धर्मी के साथ क्या क्या ले लेना चाहिए। तो देखो टीका में इतनी चीजें लिखी है, विशेषण विशेष्य, सामान्य विशेष, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, कार्य कारण, साध्य साधन, ग्राह्य ग्राहक। अभी जो बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर अपेक्षा अनपेक्षा भेजा है, वो ज्यादातर लोगों ने ज्ञान गेय पर घटाकर भेजा है। वो अपन कल मोर का उदाहरण दे रहे थे ना, ज्यादातर लोगों ने ज्ञान गेय पर ही घटाया है। लेकिन मैं आज ये बात आपको एक जोड़ दे के कहना चाह रहा हूं कि ये थोड़ा व्यापक है ये, और थोड़ा सा आपको ये सोचना है, कहीं लिखा नहीं देखा मैंने, क्या ये सभी धर्मों पर घटित होता है। ये मेरा प्रश्न है आपसे, मैं बता नहीं रहा हूं, बताऊंगा मैं बाद में, अभी चर्चा करेंगे। मेरी जिज्ञासा है कि इन्होंने लिखा है कि ये बात धर्म धर्मी, सामान्य विशेष, विशेषण विशेष, गुण गुणी, क्रिया क्रियावान, कार्य कारण, साध्य साधन, ग्राह्य ग्राहक, इनमें घटानी है। पर मैं सोच रहा हूं द्वैत अद्वैत, अस्ति नास्ति, भेद अभेद, नित्य अनित्य, सबको जोड़ लें तो क्या दिक्कत है। आप सोचना, क्या सब धर्म युगलों को हम नहीं जोड़ सकते इसमें, क्या सारे धर्म युगलों पर ये बात नहीं बैठ सकती। इस पर आपको थोड़ा सा सोचना है। आप सब लोग थोड़ा थोड़ा, जो लोग बहुत अच्छे गहराई से पढ़ रहे हैं, उन सबको सोचना है। दिनेश जी, सुधा, नवीन जी, दीपाली जी, सब लोग सोचो थोड़ा थोड़ा क्या रास्ता निकल रहा है। पर इन्होंने इतना कहा है, और अपन अभी एक दो पर घटा के देख लेते हैं। धर्म धर्मी तो कारिका में ही शब्द आ गया, क्लियर। अभी अपन उसी को पकड़ लेते हैं, धर्म और धर्मी। धर्म और धर्मी माने क्या? जैसे आत्मा धर्मी है और चेतनत्व उसका धर्म है, अस्तित्व उसका धर्म है, ज्ञान उसका धर्म है, तो धर्म और धर्मी का संबंध वो सापेक्ष है या निरपेक्ष है, ये मुद्दा हो रहा है। वो सापेक्ष है या निरपेक्ष है। एक कह रहा है कि सर्वथा सापेक्ष है, एक कह रहा है कि सर्वथा निरपेक्ष है। वस्तु में वो गुण है, यदि वो सर्वथा सापेक्ष है तो वस्तु तो शून्य बच गई। यदि वो सर्वथा सापेक्ष है, सापेक्ष माने वो केवल फॉर्मेलिटी है क्या, रियलिटी है सापेक्ष। अपन मैं दूसरा शब्द एक ध्यान में आ रहा है, कितना सही है आप सोचना। अपेक्ष, अपेक्ष एकांत माने फॉर्मेलिटी, और अनपेक्ष एकांत माने रियलिटी। मैं पिता हूं, मैं पुत्र हूं, ये मेरे दो धर्म है, पिता और पुत्र। तो ये दो धर्म फॉर्मेलिटी है या रियलिटी है। सम्मेत शिखर में निकटत्व दूरत्व, ये खाली फॉर्मेलिटी है कि रियलिटी भी है, मुद्दा ये चल रहा है। अपेक्ष एकांत, हाँ दिनेश जी, ये ही बात सोचने की है कि ये है भी कि नहीं है ये। यदि ये सर्वथा सम्मेद शिखर में यदि निकटत्व दूरत्व नहीं है,
ये तो सिर्फ बौद्ध दर्शन तो यही कह रहा है, वो कह रहा है उसमें थोड़ी कुछ निकटत्व दूरत्व है, वो तो आप दिल्ली देख करके कह रहे हो या कलकत्ता देख करके कह रहे हो, लेकिन उसमें नहीं है। मेरे में पिता पना है भी कि नहीं है, पुत्रत्व धर्म है भी कि नहीं है, मैंने पिताजी की अपेक्षा ही पुत्र हूं, ये फॉर्मेलिटी मात्र, कोरी वस्तु कोरी फॉर्मेलिटी के धर्म धारण कर रही है क्या? वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसके अनंत धर्म केवल फॉर्मल है या रियल है? यदि फॉर्मल है तो वस्तु अनंत धर्मों से शून्य हो गई, उसमें फिर बचा नहीं, सारे के सारे काल्पनिक हो गए, सर्वथा। और यदि वो रियल है तो दो से जोड़कर क्यों समझाया जाता है? ये धर्म को धर्मी की अपेक्षा है कि नहीं, धर्मी को धर्म की अपेक्षा है कि नहीं, पिता को पुत्र की अपेक्षा है या नहीं, पुत्र को पिता की अपेक्षा है या नहीं? क्या कोई बिना पुत्र के पिता होता है? क्या कोई बिना पिता के पुत्र होता है? वस्तु में अस्ति नास्ति रियल है या फॉर्मल है, ये मुद्दा सोचने का यहां चल रहा है कि वस्तु में वो रियल है या नहीं। मुझे इस कारिका को पढ़ते हुए एक समय सार की 11वीं गाथा की टीका में एक गाथा आती है, वो याद आ रही है आज जोर से। मैं थोड़ी देर से सोच रहा हूं बोलू नहीं बोलू, लेकिन वो रुक नहीं रहा, इसलिए सुना देता हूं आप। एक कारिका आती है 11वीं गाथा की टीका में, जय जिनमयम् पवज्जः तामावहारिणिच्चये मुया एकेन बिना छिज्जयि तित्थम्मण्येन पुनः तच्चम्। आप सबने सुनी होगी ना ये कारिका, और नहीं सुनी हो तो ये इसको अच्छे से देखना और समझना, बहुत सरस कारिका है और बहुत गहरा, बड़ा सुंदर अर्थ है इसका। देखो क्या अर्थ है इसका, अर्थ ये है, हमारे सभी आचार्यों का ये निर्देश है हमको, क्या निर्देश है? यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, हाँ वेरी गुड, बहुत धन्यवाद संदेश भैया, यही तो कमाल है। देखो संदेश भैया तुरंत हमारा कितना सहयोग करते हैं, देखो बहुत सुंदर कारिका है, जय जिनमयम् पवज्जः तामावहारिणिच्चये मुयः एकेन बिना छिज्जयि तित्थम्मण्येन उण तच्चम्। मुझे बहुत प्रिय है, इसमें ऐसा लगता है बहुत बड़ा संविधान है, जैन दर्शन का सारा संविधान इस एक कारिका में छुपा हुआ है। जई माने यदि, यदि तुम जिन मत का प्रवर्तन करना चाहते हो, यदि तुम चाहते हो कि जिन शासन का रथ अनंत काल तक प्रवर्तित होता रहे, तो सुनो सुनो सुनो, कान खोल के सब लोग सुनो, यदि तुम चाहते हो कि जिन शासन का रथ अनंत काल तक प्रवर्तित होता रहे, तो सुनो, व्यवहार और निश्चय इन दोनों को कभी मत छोड़ना, व्यवहार और निश्चय दोनों को कभी मत छोड़ना। क्यों? यदि तुमने व्यवहार को छोड़ दिया तो तीर्थ का लोप हो जाएगा, और यदि तुमने निश्चय को छोड़ दिया तो तत्व का लोप हो जाएगा। अब इस पर आप चिंतन करना, ये क्या कहा, यदि तुमने व्यवहार को छोड़ दिया तो तीर्थ समाप्त, तीर्थ समाप्त, जिन वाणी समाप्त, वचन व्यवहार समाप्त, पूरी शास्त्र सभाएं खत्म, गुरु शिष्य परंपरा खत्म, समझाने समझने का कार्य खत्म,
यदि व्यवहार को छोड़ दिया तो समझने समझाने का सारा काम खत्म हो जाएगा, और यदि तुमने निश्चय को छोड़ दिया तो तत्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सब लोग कान खोल के सुनो, यदि तुम चाहते हो, सोच लो, डिसाइड करो, तुमको जिन शासन का रथ प्रवर्तित हो रहा है, आदिनाथ भगवान से चला आया आज तक, आगे भी चलाए रखना है, यदि रखना है तो दोनों नयों को संभाल कर रखना, एक को भी मत छोड़ना। यदि तुम व्यवहार को छोड़ दोगे तो तीर्थ प्रवृत्ति नहीं हो पाए, वो छिद जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और यदि निश्चय को छोड़ दिया तो तत्व का लोप हो जाएगा। ये कारिका मुझे याद आई कि एक तो कह रहा है कि वस्तु के अनंत धर्म, धर्म, धर्मी, सामान्य, विशेष, ये सब सापेक्षी है, अपेक्षा से ही है, फॉर्मेलिटी के ही है, कोरे, उनमें कुछ रियलिटी नहीं है, कोई दम नहीं है उनमें, वो वस्तु में नहीं रहते हैं, वस्तु में कोई इसकी नास्ती उसकी नास्ती, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से इसमें एक ही वस्तु में अनंत पदार्थों की नास्ती, तो क्या नास्ती है उसमें। तो बोले वो कह रहा है कुछ है ही नहीं, और एक कह रहा है अनपेक्ष एकांतवादी कि नहीं, वो सर्वथा अनपेक्ष है। वैशेषिक मत वाला कहता है सर्वथा अनपेक्ष है, केवल सर्वथा रियलिटी है, उनको किसी तरह की अपेक्षा से सिद्धि करने की कोई जरूरत नहीं है, निरपेक्ष सिद्ध करेंगे। और ये दो मत हैं। हाँ, ये भी शब्द अच्छा है, औपचारिक अनौपचारिक, ये भी शब्द बहुत बढ़िया है। तो ये औपचारिक अनौपचारिक है क्या है, और समंत भद्र महाराज का इस मामले में भी उत्तर है कि ये स्यादवाद से इसका समाधान होगा, इस जटिल समस्या का समाधान भी स्यादवाद से होगा, क्योंकि जैन दर्शन एक अनुभववादी दर्शन है, जैन दर्शन एक अनुभववादी दर्शन है, वो हवा हवाई नहीं उड़ता, वो यथार्थ अनुभव को महत्व देता है, दृष्टापलाप नहीं करता है। ऐसी थोड़ी गहरी चर्चा है, इस पर अब आप सब लोग थोड़ा कुछ और चिंतन, आपने जो जो किया हो वो आप सब लोग, बहुत लोगों ने मुझे लिख कर भेजा है, वो उसे भी कुछ एक्सप्लेन करें तो सबका स्वागत है। संदेश भैया देखो, थोड़ी चर्चा अपन और करेंगे, लेकिन अभी क्या लोग सोच रहे हैं, सबका ले आनंद जी। इस प्रकार आज हमने पांचवे परिच्छेद की तीन कारिकाओं का अध्ययन किया, मेरे ख्याल से तीसरी कारिका पढ़ के लगभग सभी शंकाओं का समाधान होना हो जाना चाहिए कि यदि स्वभाव की अपेक्षा देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए तो वस्तु निरपेक्ष ही है, और अविना भाव को देखा जाए तो वस्तु सापेक्ष है, इस तरह की चर्चा आई। हाँ, वीके जैन साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ सुनो, ये पंचाध्यायी में कहा गया है ना कि निश्चय का जो स्वरूप है वो निषेधात्मक है। हाँ, जैसे कोई वस्तु कही नहीं जा सकती, निषेधात्मक है, पंचाध्यायी में बताया गया। वस्तु का स्वरूप सर्वथा निषेधात्मक मानोगे तो फिर एकांतवाद का गरल आ जाएगा। नहीं, सर्वथा नहीं कह रहे, मतलब निषेधात्मक। हाँ, बताया नहीं तो कथनचित निषेधात्मक माना तो कथनचित विधानात्मक भी मानना पड़ेगा ना। देखो थोड़ा सा और थोड़ा गहराई में जाना है, अभी अभी मैं भी सोच रहा हूं। देखो जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूं, ये ऊपर की मंजिल है या नीचे की, हमारे ये ऊपर भी मंजिल है नीचे भी मंजिल है, तो ये मैं जिस मंजिल पर बैठा हूं वो मंजिल ऊपर वाली की अपेक्षा नीची की है, नीचे वाले की अपेक्षा ऊपर की है,
तो क्या इसमें इसमें वो धर्म है कि नहीं है? ये वो अपने आप में भी कुछ है कि नहीं है, ये देखना है। वस्तु में भी वो धर्म, बहुत बढ़िया कहा उन्होंने। कल चल चलो बताएंगे और करो चर्चा। जैसे जैसे शक्कर है, तो हाँ शक्कर में हमने मिठास कहा, तो वो हाँ मिठास उसका अपना धर्म है ना। अब हम हाँ कहेंगे रसना इंद्रिय की अपेक्षा मिठास है या रस की अपेक्षा मिठास है, तो ये हाँ सापेक्षता हो गई, और मिठास उसका अपना ही गुण है, वो उसकी निरपेक्षता है, तो दोनों हाँ चीज एक साथ है। बहुत बढ़िया कहा, यही उत्तर है। देखो ये कहा ना, 72वीं लास्ट कारिका में जहां उत्तर दिया है वहां ये कहा ना, दोनों का अविनाभाव समझना समझाना हो तो एक दूसरे को देखकर समझाया जा सकता है। बिल्कुल समझना समझाना हो, धर्म और धर्मी का अविनाभाव समझना हो समझाना हो। ज्ञान तो ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान है ये हमें ज्ञेय से समझाना पड़ता है। जी ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान ज्ञान है, ये बात सिद्ध कैसे हो, समझ में कैसे आए, बिल्कुल समझ बिल्कुल में कैसे आए ये ज्ञेय, ये घड़ी ज्ञेय है, ये ज्ञेय कैसे समझ में आए। समझाना ज्ञान से पड़ेगा, ज्ञान को ज्ञेय से समझाना पड़ेगा, ज्ञेय को ज्ञान से समझाना पड़ेगा। पर ज्ञेय के कारण ज्ञान नहीं है और ज्ञान के कारण ज्ञेय नहीं है। वस्तु का स्वरूप, वो स्वरूप में जो है, वो स्वरूप में एक दूसरे की अपेक्षा की जरूरत नहीं है, नहीं तो वस्तु स्वरूप पराधीन हो जाए। पर से समझा जा रहा है, यदि सर्वता सापेक्षवाद मानेंगे तो वस्तु पराधीन हो जाएगी, यदि निरपेक्ष मानेंगे तो कथन नहीं हो सकेगा, व्यवहार छोड़ देंगे तो कथन नहीं हो सकेगा, निश्चय छोड़ देंगे तो तत्व ही गायब हो जाएगा। ये हाथ दायां है, ये हाथ बायां है, तो क्यों है ये दायां बायां? दिशाओं के कारण, दिशाओं ने इनको बना रखा है, दिशाओं के कारण हाथ है क्या? दिशाओं के कारण इनका कथन किया जा रहा है, समझाया जा रहा है, इनका इनका अविनाभाव आदि जो कुछ समझाया जा रहा है। कर्ता से कर्म को समझाया जाता है, कर्म से कर्ता को समझाया जाता है, पर कर्ता और कर्म अपने आप में वस्तु हैं और स्वतंत्र हैं। चलो हाँ और भी सुनो और करेंगे चर्चा। देखो मैं भी अपने विचार रख रहा हूं धीरे धीरे। जी हाँ, और कोई भी उदाहरण घटा के या कैसे भी अपनी बात को रखना चाहें तो आप लोग हाँ दिनेश जी। दिनेश जी वेलकम। जय जी। आपने हाँ सुनाओ साहब, निकालो कुछ जो कल ब्रेथ। मोर का जो बताया था, वो इस किस तरह से घटेगा जो आप कह रहे थे कल मोर का, कि मोर सामने है हाँ तो दर्पण में क्यों आया वो, मतलब। नहीं देखो, मोर का उदाहरण भी मैंने इसीलिए दिया कि दर्पण बढ़िया है ये कैसे पता चलेगा? उसको दर्पण दर्पण गलत नहीं है, नकली नहीं है, खराब नहीं है, ये कैसे पता चलेगा? उसकी सिद्धि करने के लिए, उसका स्वरूप समझने समझाने के लिए ऐसा है, दूसरे से समझाना पड़ता है। लेकिन दर्पण की जो आ, आ, स्वरूप है, दर्पण का जो प्रतिबिंब पना स्वभाव है, उसके लिए मोर की अपेक्षा नहीं है। दीपाली जी ने लोका लोक पर घटा के भेजा है, बहुत बढ़िया घटाया है कि देखो केवल ज्ञानी लोका लोक को क्या इसलिए जानते हैं? लोका लोक है इसलिए केवल ज्ञान है क्या?
केवल ज्ञान की और लोकालोक की एक दूसरे से क्या बाउंडिंग है, क्या बाउंडिंग है, दोनों का एक दूसरे से क्या रिलेशन है, क्या वे एक दूसरे पर डिपेंड हैं? और डिपेंड नहीं तो फिर कैसे स्वरूप कैसे समझ में आए? केवल ज्ञान का, केवल ज्ञान का अगर महत्व ही खत्म हो गया फिर तो, अगर कुछ लोकालोक नहीं बताएं तो। मतलब वस्तु का जो स्वरूप है ना, वो स्वरूप पराधीन भी ना हो जाए, लेकिन उसकी जो समझाने का काम है वो बिना अपेक्षा के समझा, उसका नाम धर्मी क्यों? एक सामान्य, एक विशेष, तो सामान्य का नाम सामान्य क्यों? मैंने कल कहा था ना कि समय सार गाथा छह में कहा कि ज्ञायक आत्मा ज्ञायक है, और फिर अगली पंक्ति में कह दिया कि ज्ञायक भी उसे ज्ञेयों की अपेक्षा नाम दिया है, पर वास्तव में तो वो जो है सो है। वस्तु में अनंत धर्म रहते ही हैं। यदि वस्तु में अस्ति नास्ति धर्म अपने आप में ना रहे तो फिर वही दोष आ जाएंगे, सद सर्वम सर्वात्मकम स्यात्, तब सर्वात्मक हो जाएंगे। इसमें डॉक्टर साहब एक प्रश्न और था, एक जिज्ञासा। हाँ, जैसे दिल्ली में जो आपने भी देखा होगा दर्पण ऐसे भी होते हैं जिसमें मोटे को पतला, पतले को मोटा दिखा दिया, छोटा ऊंचा दिखा दिया, तो उसमें दर्पण का रूप ही, दर्पण का रूप ही विरूप है, मतलब खुद ही दर्पण अपने में ऐसा है। सही है, तो उसमें कैसे घटाएंगे इस बात को? ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ कि है तो वो भी दर्पण, लेकिन वो छोटे को मोटा दिखा रहा है, पतले को मोटा दिखा रहा है, छोटे को लंबा दिखा रहा है। तो वो दर्पण आपने देखा होगा जरूर, सोचेंगे सोचेंगे थोड़ा सा सोचेंगे, आप भी सोचना निकालोगे कुछ ना कुछ। हाँ, वीके जैन साहब फिर से कुछ कह रहे हैं। हाँ, तो कह रहे थे कि जैसे अभी आपने गुण गुणी और विशेषण विशेष में करा है, वैसे क्या शब्द और वाच्य में भी कोई संबंध होता है, शब्द और अर्थ में? शब्द और अर्थ में, जैसे कि बहुत लोग मानते हैं कि शब्द और अर्थ में भिन्नता होती है। अब वो तो बाद में विचार कर लेंगे, अभी यही गले उतर जाए। शब्द और अर्थ का तो एक नया मुद्दा है, वो मेरे ख्याल से उसका एक चैप्टर आने वाला है पूरा का पूरा आप्तमीमांसा में, वो एक अलग मुद्दा है शब्द और अर्थ का मुद्दा। पहले ये वाला सुलझ जाए, देखते हैं बाद में क्या होगा, उसका भी कुछ विचार करेंगे शब्द और अर्थ का। लेकिन यहाँ तो सामान्य विशेष गुण गुणी धर्म धर्मी कारण कार्य, इनमें सापेक्षता है कैसी है, इस पर कुछ चर्चा और करो। देखे कुछ ये जो दिनेश जी ने ये वाली बात कही कि वो दर्पण मोटा दिखाते हैं पतला दिखाते हैं, तो मेरी विशेष में ऐसे घटा सकते हैं कि उस दर्पण का जो स्वरूप है वो है मोटा दिखाना। अब जो पदार्थ आएंगे उनकी सापेक्षता से ही हम उस दर्पण को कहते हैं कि देखो ये मोटा दिखा रहा है। यही बात दीपाली जी ने लिखी है अभी कि भाई वो दर्पण उस स्वरूप वाला है, उसका स्वरूप वैसा ही है। दर्पण जाति एक है, लेकिन दर्पण भी कई प्रकार के होते हैं और उनके अपने अपने स्वरूप है, मोटा दिखाना पतला दिखाना, वो भी कोई और वजह से थोड़ी दिखाता है, वो तो अपना स्वरूप है। यहाँ साफ साफ लिखा ना का लास्ट कारिका में, न स्वरूपम स्वतो ये तत्, वस्तु का स्वरूप सापेक्ष नहीं है, उनका अविनाभाव सापेक्ष है। ये बात भी नई ख्याल में आई, मतलब इसी में स्पष्ट करते हुए ये बात ख्याल में आई आपने जो बताई कि वो वस्तु जैसी है उसको जब कथन में उसको स्पष्ट करना हो या सिद्धि करनी हो
तो फिर निरपेक्षतया अविना भावों को देखा जाता है। हाँ वैसे तो वास्तव में निरपेक्ष है एक अपेक्षा। हाँ, कह रहे हैं नहीं ज्ञान ये परी देख लो भले कि ज्ञान को ज्ञान कैसे समझाएं कि वो ज्ञान है। ज्ञान ज्ञान है ये तो ये की अपेक्षा ही तो समझाया जाएगा कि कैसे समझाएं, नहीं तो ज्ञान कैसा। ये को ये होने के लिए ज्ञान की जरूरत नहीं है, लेकिन ये है ये समझने के लिए तो ज्ञान से ही समझाना पड़ेगा ना। और इसमें एक बात और आई थी दिमाग में। हाँ। कि वस्तु की जो निरपेक्ष सिद्धि है वो तो उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव स्वरूप जो वस्तु है। हाँ। तो उसमें तो दूसरे की अपेक्षा नहीं है, वो तो उसका अपना द्रव्य अपना क्षेत्र अपने असंख्यात प्रदेश जैसे जीव के हैं। हाँ। या उसका पर्याय है उसकी अपनी। हाँ हाँ जैसे तो, उसके गुण है जैसे हाँ। उसके प्रदेश है वैसे ही धर्म भी उसके अपने हैं। अपने हैं हाँ, हाँ जी इसी अपेक्षा से मैं कह रहा था। हाँ बराबर वस्तु में धर्म अपने हैं, लेकिन उन धर्मों को समझने समझाने के लिए धर्मों को समझने के लिए एक दूसरे की अपेक्षा से समझाया जाता है। हाँ जी तो दोनों ही बातें हैं कि वस्तु का अपना जो जैसे ज्ञान गुण है तो वो नित्य है और जो उसकी ज्ञान पर्याय है वो अनित्य है। हाँ तो दोनों हाँ, धर्म उसमें हैं दोनों। हाँ, अन्वयी जो है ज्ञान है और वो व्यतिरेक जो पर्याय है उसकी। हाँ हाँ दोनों ही गुण उसमें मौजूद है ना अपने। बराबर 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 थोड़ा सा ऐसा कुछ लिंक है इसमें लग रहा है। हाँ ऐसा कुछ लिंक है जैसे कारण को समझने के लिए कार्य से अनुमान लगाया जाता है। हाँ कार्य कार्य है ये कैसे कहा जाएगा। कार्य का कार्य नाम ही कारण की वजह से है। कारण का नाम कारण नाम ही कार्य की वजह से है। सिद्ध्यत्यन्योन्य वीक्षया सिद्ध एक दूसरे की अपेक्षा से होते हैं। ऐसी चर्चा है थोड़ा सा और सोचते हैं कल और चर्चा करेंगे। हाँ अभी प्रज्ञा दीदी कुछ कह रही हैं। हाँ हाँ जरूर सुनो उन्होंने यही कह रही हाँ, बताओ। यही कह रही थी आपने थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया था ना द्रव्य का नाम द्रव्य इसलिए है क्योंकि द्रव्यत्व गुण के कारण। वस्तु वस्तु इसलिए है वस्तुत्व गुण के कारण। प्रमेय इसलिए है प्रमेयत्व गुण के कारण। तो अपेक्षा बैठती है लेकिन उसका नाम पुद्गल नहीं है क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है। अपेक्षा बैठ भी रही है और नहीं भी है निरपेक्ष भी है दूसरे अन्य गुणों की अपेक्षा। बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। देखो उसको चीज को जब आप कोई भी नाम दोगे ना कोई भी जैसे मान लो ठीक है मैं जब पिता मत कहो पुत्र मत कहो क्या कहोगे आप क्या कहोगे। आप जो भी कहोगे वो एक धर्म की अपेक्षा कहोगे। पुरुष भी कहोगे तो एक धर्म की अपेक्षा कहा जाएगा। द्रव्य का नाम द्रव्य भी उसके एक गुण की अपेक्षा है। वस्तु नाम भी उसके एक गुण की अपेक्षा है जबकि उसमें तो अनंत गुण है। तो नामकरण करने में ये दिक्कत है। समझाने तीर्थ प्रवृत्ति के लिए अपेक्षा की जरूरत पड़ रही है। वैसे तो सभी उसमें सातो भंग लगा सकते हैं लेकिन स्यात वक्तव्य यहाँ पे ज्यादा खुल के आ रहा है ऐसा समझ आया। हाँ, हाँ, हाँ। बाकी जैसा मैंने आपको बताया था इतरेतर आश्रय दोष से भी समझ सकते हैं और अनवस्था से भी समझ सकते हैं उसके कारण। हाँ, हाँ। उसके घर के सामने मेरा घर मेरे घर के सामने उसका घर तो वो भी एक उदाहरण से समझ। सर्वथा सापेक्ष हो तो इतरेतर आश्रय दोष आ जाए। वो उसके अधीन हो गया वो उसके अधीन हो गया। और टीका में लिखा है कि दो दोस्त हाथ पकड़ रखे नदी में तो एक डूबेगा तो दोनों डूबेंगे। ऐसे टीका में उदाहरण दिया है कि दो दोस्त हाथ पकड़ के नदी में हैं तो एक डूबेगा क्या। बोले हाथ पकड़े हैं तो दोनों डूबेंगे हाथ छोड़ दे तो बच सकता है। बढ़िया है चलो और कल चर्चा करेंगे। आज का समय हुआ इस प्रकार समय हो गया है। हमने पांचवे अधिकार के माध्यम से अपेक्षा और
अनपेक्षा एकांत की समीक्षा करते हुए अपेक्षा और अनपेक्षा एक साथ कैसे वस्तु में विद्यमान है उसको देखा, और साथ में जो कारिका हम हर अध्याय में पढ़ते हैं ऐसे उभय और अवाच्य एकांत की कारिका भी यहाँ पे पढ़ी। अभी कुछ ही दिन पहले उभय एकांत की बहुत विस्तृत चर्चा हमारे बीच में हुई। तो इस प्रकार यदि हम सर्वथा वस्तु को सापेक्ष मान लेंगे तो वस्तु सर्वथा पराधीन हो जाएगी और उसके कार्य सब दूसरी पे मर दिए जाएंगे। जैसे अभी बताया कि एक का हाथ पकड़ के दूसरा कूदे दोनों, तो मैं इसके कारण कूदा वो इसके कारण कूदा, लेकिन जब हम सर्वथा मानेंगे तो ही ये दिक्कत आएगी। और इस प्रकार हमने स्यादवाद की सिद्धि, न वस्तु सर्वथा सापेक्ष है न वस्तु सर्वथा निरपेक्ष है, कथनचित सापेक्ष भी है और कथनचित निरपेक्ष भी है, इस तरह स्यादवाद को स्थापित करते हुए अभी की सभा हम यहीं विराजमान समापन करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान दे सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो